Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Astrologer Ali Zinjani, aap log ki khidmat pe hazir hoon. Idara Aina Kismat aur mera official page Astrologer Ali Zinjani se Facebook ke upar. Aur inshaAllah ta'ala hum log ka ye jo saath hai wo rahega raat ko takriban 9 baje se lekar 10 baje tak. Aur is pure ek ghante mein aap sab logo ko maloom hai ki aap logo ke saath janab गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू रहती है इल्मे नजूम के ऊपर. और हमारे शो का सबसे अहम हिस्सा ये होता है कि हर शो में मैंने आप लोग को एक वजीफ़ा बताता हूँ. और ये वजीफ़ा अगर आप लोग को ये लगता है, बल्कि मेरे से एक दो बहन भाइयों ने पूछा कि आप अपनी तरफ से बताते हैं, ऐसा कतन नहीं होता, मेरे पास आप लोगों की तरफ से जो सवालात आते हैं और आप लोगों की जो फरमाइश आती है कि हम आजकल इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उससे मुतालिक हमें कोई वजीफ़ा बताएं, उससे हम कैसे रूहानी तौर के ऊपर छुटकारा हासिल कर सकें या उस चीज़ को हम कैसे बेहतर जो है वो कर सकते हैं. तो जनाब ये बिल्कुल बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोग के फीडबैक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसको इंतहाई दिलचस्पी के साथ अब तो इंतज़ार भी करते हैं, देखते हैं. और दूसरा ये अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें कि आपको इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ मज़ीद को देखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं. कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जिसका मुझे बिल्कुल इल्म है और मुझे बिल्कुल मालूम है कि वो क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हमें अगर आगाह करें या हम लोग को गाइड करें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बल्कि दिली मुसर्रत होगी, चूँकि ये आप लोगों के लिए ही है. और आप लोग जब तक मुझे नहीं बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग क्या गलतियाँ क्या खामियाँ कर रहे हैं और उसको कैसे बेहतर किया जाए, तब तक हम इसको आगे लेके नहीं चल सकते. आप लोग को साथ ही लेके चलना होगा. और जनाब मुहर्रमुल हराम का महीना है, ये इंतहाई अकीदत एहतराम का महीना है. और बल्कि कल मैंने मेरे जो वालिद हैं सैयद इंतज़ार हुसैन जंजानी, उन्होंने एक मैसेज जो था मुझे दिया था, जिसको मैंने कल YouTube लाइव के ऊपर आप लोग तक पहुंचाया. और आज भी मैं यही चाहूँगा कि उसको आप लोगों तक पहुंचाऊं कि मुल्क के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा एक शोर भी चल रहा है, जज्बा भी चल रहा है जी डैम फंड के हवाले से. और करबला का एक ऐसा वाकया है कि जिसका ताल्लुक पानी के साथ भी है. पानी एक ऐसी चीज़ है कि पानी है तो ज़िंदगी है, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं, पानी है तो ज़रखेज़ी है. और करबला के वाकये में हमें पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत के बारे में मालूम होता है. और हमने जो डैम बनाना है तो इसका ताल्लुक भी पानी के साथ ही है. तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने तमाम बहन भाइयों को, मोमिनीन को ख़ास तौर पे, कि जब वो पानी की सबीले लगाते हैं तो उसके साथ एक जो बॉक्स है डैम फंड का, वो भी अगर रख दिया जाए तो जितने भी आज़ादार हैं और जितने भी मोमिनीन हैं जो वहाँ पे आते हैं, या दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इन चीज़ों में. बहुत सारे मैंने देखा है अहले सुन्नत वाले भाई भी होते हैं, दूसरे मज़हब के भी लोग होते हैं जो सबीले भी लगाते हैं, खिदमत करते हैं मोमिनीन की. तो मैं ये कहूँगा कि अगर डैम फंड का जो चंदा है वो पानी की सबीलों के साथ रखा जाए तो उसमें एक रूहानी बरकत भी होगी, फ़ायदा भी होगा, और हमने जो अपना टारगेट अचीव करना है वो भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द कर लेंगे. तो आज के शो का बाकायदा जनाब आगाज़ करते हैं. स्क्रीन के ऊपर आप एक नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपने मुझे कॉल करनी है. कॉल करने के साथ साथ आपने करना क्या है कि मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ, ये चार चीज़ें जनाब आपने नोट करवानी है. और इसके साथ साथ एक सवाल आप नोट करवा सकते हैं जिसका इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जवाब दूंगा. और आज के शो का हमारा टॉपिक ये है कि आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे किसी ना किसी मुसीबत में या परेशानी में मुब्तला होते हैं. और वो मुसीबत और परेशानी क्या होती है कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया होता या कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं की होती, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाता है, कोई ना कोई बहतान लग जाता है और वो बेचारे उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो उससे कैसे बचा जाए, उस इल्ज़ाम को कैसे रफ़ा किया जाए, उस इल्ज़ाम से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए,
और आज के इस शो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला इसी हवाले से आप लोगों को एक वजीफ़ा जो है वो बताऊंगा पढ़ने के लिए। कुरान पाक की एक आयत है उससे भी, और अल्लाह का एक नाम भी है। तो जनाब आपने मेरे साथ रहना है इंशाल्लाह ताला। आज इस शो के इख्तिताम पे मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई शख्स किसी ना किसी वजह से किसी इल्ज़ाम का, किसी बहतान का, या आपके ऊपर किसी ने किसी वजह से एक उंगली उठा दी है, आप बहुत अरसे से जेल में हैं, कैदोबंद में हैं, परेशानी में मुब्तला हैं कि वो काम आपने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज़ को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसे कैसे बचा जाए, उससे कैसे जान खलासी जो है वो हो। तो इंशाल्लाह ताला इसका मैं आज शो के इख्तिताम पे आप तमाम बहन भाइयों को बताऊंगा कि वो कौन सा वजीफ़ा है और उसको किस तरह पढ़ा जाता है। तो जनाब हमारे शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि हमें सबसे पहले किसकी कॉल रिसीव हुई है और कौन हमारे साथ है और क्या जानना चाह रहा है अपने बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले हमें जो कॉल रिसीव हुई है, ग़ुलाम सरवर साहब ने हमें कॉल की है। 21 अप्रैल 1991 में जनाब ये पैदा हुए हैं और 3:50 पे लाहौर में, और इनका सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया में हूँ, 6 माह से पाकिस्तान आना चाह रहा हूँ, क्या ठीक रहेगा आना के नहीं। बिल्कुल जनाब आपका जायचा मैं देख के बताता हूँ। ग़ुलाम सरवर साहब, अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, पाकिस्तान आने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी मैं नहीं देख रहा, लेकिन आना कब है? अक्टूबर के बाद, नवंबर या दिसंबर में अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र बनेगा, खैर का होगा, अल्लाह ताला आपको इस सफ़र से बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी भी महसूस करेंगे। बाकी आप खैर से हैं जनाब, कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। अच्छा जी, वकार साहब की कॉल थी 29 जून 1990, इनकी वालदा ने गालबन कॉल की थी, और गुजरावाला में ये पैदा हुए हैं, टाइम इनको नहीं मालूम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दुबई में हैं, अभी पाकिस्तान आके भी हालात ठीक होंगे कि नहीं। तो ये इनकी वालदा ने पूछा है कि वकार साहब जो हैं ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। अच्छा वकार साहब का जायचा अगर मैं देखूं, आलमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। वकार, सबसे पहली बात ये कि वकार के मूड और मिजाज के अंदर मुस्तकिल मिजाजी जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा काम जो ये अपने मिजाज के मुताबिक ना समझे या मिजाज के मुताबिक ना लगे वो प्रॉब्लम्स पैदा करता है। जैसे वकार की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी एक एफर्ट थी जी, मैंने मुल्क से बाहर जाना है, बाहर चला गया, लेकिन वहाँ जाके क्या करना, और ये भी देखना कि कौन से मुल्क में गया, कि आया दुबई इसके लिए ठीक भी है कि नहीं है। मेरे हिसाब से वकार अगर किसी यूरोप की कंट्री में चला जाए तो वहाँ पर जाके इसके लिए बहुत सारे मामलात अच्छे और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे रहकर काम करना, दुबई में रहना या पाकिस्तान आना वो इनके लिए ठीक और बेहतर नहीं है। ओवरऑल जायचा इनका बहुत अच्छा है कि बग़ैर मेहनत के ज़िंदगी में इनको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कामयाबियाँ भी मिलती रहेंगी, पैसा भी आता रहेगा, वो कहाँ से आएगा वो एक अलहदा टॉपिक है, वो अभी हमारा सवाल नहीं है, आपका नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का है, लेकिन जो मेन इशू है सेटलमेंट का, जब तक सेटलमेंट नहीं होगी ये प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं एक नगीना रिकमेंड करता हूँ वकार के लिए, एक तो वकार को आप जुमुरद लेके पहनाएं और ओपल, ये दो नगीने हैं आप वकार को पहना सकती हैं, इससे ये है कि एटलीस्ट लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और दुबई वकार के लिए नहीं है, दुबई में अगर हैं तो कोशिश करें कि वहाँ से किसी यूरोप की कंट्री में चले जाएं, ये जोन इनके लिए बेहतर रहेगा, वहाँ पे ये जल्दी सेट भी हो जाएंगे, काम भी इनका ठीक हो जाएगा और जो ये करना चाहते हैं वो वैसा होना शुरू हो जाएगा। बाकी मेरी दुआएं जनाब इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ दे, खुश रखे और ये ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो इनको मिलता रहे। अच्छा जनाब, अब हमें कॉल्स जो हैं
धड़ाधड़ कॉल्स आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला बारी बारी हम सबको शो में शामिल करते हैं। वकार के बाद हमें निमरा ने कॉल की है, देखते हैं कि निमरा क्या जानना चाह रही है। निमरा की डेट ऑफ बर्थ है जी 26 अक्टूबर 1991। टाइम ऑफ बर्थ है इनका सुबह के 5 बजे और शहर है रावलपिंडी जी। रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद हैं। सवाल इनका ये है कि लड़की मांगलिक है, शादी कैसी हो, शादी कैसे हो जाएगी, कोई रेमेडी और स्टोन लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। अच्छा, सवाल भी ना बड़े कोई डिप्लोमेटिक किस्म के होते हैं कि एक ही सवाल में ना तीन तीन चार चार सवाल होते हैं। हालांकि हमारे शो की पॉलिसी है कि सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मांगलिक है, शादी होगी या नहीं होगी, चल एक हो गया, इसकी कोई रेमेडी बता दें और वो तो ऑब्वियसली मैंने बतानी है। और फिर लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, लव मैरिज एक डिफरेंट चीज़ है, अरेंज मैरिज एक डिफरेंट चीज़ है। और फिर चलें जो भी है निमरा, मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, निमरा ने पूछा है कि मांगलिक है, इसके लिए कोई रेमेडी जो है वो बता दी जाए। एक तो निमरा अपने हाथ में येलो सफ़ायर लेकर पहने, पीला पुखराज, इसका ताल्लुक आपके अज़वाजी मामलात के साथ भी है लेकिन शादी के साथ है, घर का सुख और शादी, कि आपकी शादी जो है वो टाइम पे हो। अच्छा, रिश्ता जब भी आपको आए तो सबसे बड़ी इसकी रेमेडी ये होती है कि आप निकाह का डेट टाइम ज़रूर पूछ लें, कि बग़ैर मशावरत के, बग़ैर पूछे आपने शादी नहीं करनी। अगर बग़ैर मशावरत के आप शादी करती हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद करना क्या है आपने कि अपना वज़न करें, वज़न के मुताबिक हम वज़न चावल का सदका जो है वो आप जुमेरात वाले दिन नौचंदी जुमेरात को, चांद की जो पहली जुमेरात आती है उस पर आप इसका सदका दें। फिर सूरह रहमान 3 दफ़ा इशा की नमाज के साथ सूरह रहमान भी आप पढ़ सकती हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में आपके लिए बता दिया, मैंने इसीलिए बताया कि आप बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह हैं निमरा, और मेरी ये ख्वाहिश है बल्कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जल्द शादी करे। बल्कि जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि निमरा के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनका जो घर है वो जल्दी से आबाद करें और इनकी नसीब खुशाई हो, अपने घर को ये चली जाएं। और इंशाल्लाह ताला बस शादी के बाद अपने हस्बैंड को आपने तंग नहीं करना, ये मेरी ख़ास ताकीद है आपको। मोहम्मद अहमद साहब की कॉल है, देखते हैं कि मोहम्मद अहमद साहब क्या कह रहे हैं जी। 5 जनवरी 1992 टाइम ऑफ बर्थ है जी इनका सुबह के 3 बजे और जड़ावाला में ये पैदा हुए हैं। जिंदगी में शहादत लिखी हुई है। अच्छा, बड़ा अजीब सा सवाल आपने किया है कि मेरी ज़िंदगी में शहादत लिखी हुई है। पहली बात तो ये कि शहादत एक ऐसी चीज़ है कि अगर बंदा ये ख़ुद से कहीं से बिल्डिंग से छलांग मार दे ना तो वो शहादत नहीं होती, ख़ुदकुशी होती है। और आपका जायचा जो मुझे बताता है इसके अंदर शहादत के चांसेस, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो मेरे भाई अल्लाह के हाथ में है, मैं इसके ऊपर कोई इतना डिटेल में तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि आपका जो सवाल है इसके चांसेस मुझे कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी करे और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, इसके बाद जुहेब साहब की कॉल है और देखते हैं कि जी जुहेब साहब क्या जानना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी 2 अगस्त 1987। टाइम ऑफ बर्थ है जी नहीं मालूम और ये सांगला हिल में पैदा हुए हैं। मेरी फेवरेट जगह सांगला हिल, क्योंकि मेरा शो काफ़ी पॉपुलर है सांगला हिल में,
और मैंने आज तक कभी सांगला हिल देखा नहीं है, है कहाँ पे, आज मैं गूगल पे सर्च करूँगा, क्योंकि सांगला हिल वालों ने मुझे कभी नहीं बुलाना। अच्छा जी, इन्होंने पूछा है जुहेब साहब ने कि शादी कब तक होगी, उसके लिए कुछ स्टोन जो है वो बता दें। अच्छा जी, शादी कब होगी उसके लिए स्टोन बता दें। मेरे भाई, शादी में बड़े रौले हैं, बहुत गड़बड़े हैं और इतनी आसानी से होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप लाजवर्द लेके पहन सकते हैं, लाजवर्द, ये मैंने भी पहना हुआ है, ये लाजवर्द इस तरह का होता है, ये आपने लेकर खूबसूरत सा कि आपको लगे कि ये आपसे बातें कर रहा है, तो इस तरह का आपने कोई खूबसूरत सा नगीना जो है वो लेकर आपने अपने हाथ में पहनना है। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, खुश रखे। अच्छा जी, आसिम मुर्तज़ा साहब की कॉल है, देखते हैं कि आसिम मुर्तज़ा क्या जानना चाह रहे हैं। अच्छा जी, रावलपिंडी में ये पैदा हुए हैं। आसिम मुर्तज़ा का सवाल क्या है, सवाल बिल्कुल लेते हैं जी। आज जनाब हमें शो में ना तो कोई पानी किसी ने पूछा है, ना ही हमें किसी ने चाय पूछी है, और मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं, सही जो इस वक्त मेरे साथ कोई आज बदला लिया जा रहा है कि ना पानी तक नहीं पूछा। देखें, मैं यहाँ पे डैम फंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे पानी तक नहीं पूछा। अच्छा जी, आसिम मुर्तज़ा साहब ने ये पूछा है कि जॉब कब तक मिलेगी। तो आसिम, बात ये है कि आपका जायचा मुझे ये बताता है कि एक तो आपकी ना डेट ऑफ बर्थ ज़रा गलत हो गई है, मैं एक मिनट इसको ठीक कर दूं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ जॉब के हवाले से। अच्छा आसिम, बात ये है कि आपका जायचा माशाल्लाह इंतहाई अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जायचा है, लेकिन जॉब के हवाले से मामला ज़रा कुछ थोड़े से गड़बड़ हैं। डेढ़ एक साल आपका ज़रा थोड़ा सा एहतियात तलब है कि इन डेढ़ सालों के अंदर जॉब के मामला, जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई रुकावट, प्रॉब्लम, परेशानी जो है वो आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जॉब आपको जब भी मिले या जब भी आप जॉब करना चाहें तो मेरे भाई आपने एक काम करना है कि जॉब छोड़नी नहीं है। थोड़ी सैलरी वाली जॉब मिले उसको शुरू ज़रूर करें, एक दफ़ा आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जॉब मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं छुप छुप के कर रहे हैं, लेकिन आपने सवाल ये किया कि जॉब कब मिलेगी, इसका मतलब ये कि आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करना चाह रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जॉब के जितने भी मामलात हैं वो ठीक और बेहतर रखे। अच्छा जी, उमर साहब की हमें कॉल रिसीव हुई है। उमर साहब की डेट ऑफ बर्थ है जी 4 दिसंबर 1993, 93, टाइम ऑफ बर्थ है जी रात के 8 बजे का, और शहर है इनका खेड़ा, और ले जी आज पानी भी आ गया। मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी टीम का भी जायचा बनाना पड़ेगा कि मेरे साथ ये सलूक क्यों करते हैं। अच्छा जनाब, उमर साहब आपने पूछा है कि शादी जिससे करना चाह रहा हूँ ठीक रहेगी और कब तक होगी। अच्छा, शादी करनी है और ये भी पूछ रहे हैं कि ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये तो आप उनसे पूछे जिन बेचारों की शादियाँ हो चुकी हैं, क्या उनकी शादियाँ अच्छी चल रही हैं। और चलें, छोटा सा मैंने मजाक किया, लेकिन बात ये है कि उमर आपका जायचा मुझे ये बताता है कि एक तो जिससे आप शादी करना चाहते हैं या जिससे भी आपकी शादी होगी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी शादी इंशाल्लाह ताला ठीक रहेगी, लेकिन आपकी जो भी वाइफ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा आपका ख्याल करेंगी, आपकी केयर करेंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप पे शक हो रहा है कि आप कुछ चीटिंग या फ्रॉड कर सकते हैं, तो इसमें ज़रा थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश जो है उसको पूरा करें, और आगे चल के मेरे भाई अपनी बेगम को या वाइफ को जो है वो आपने चीट नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी, ज़ैनब की कॉल है, देखते हैं कि ज़ैनब क्या जानना चाह रही हैं। ज़ैनब की डेट ऑफ बर्थ है जी 12 दिसंबर 1980,
टाइम ऑफ बर्थ है जी 2:50 का दोपहर का, और पेशावर में ये पैदा हुई हैं। जैनब ने पूछा है कि हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, रेमेडी जो है वो बता दें। तो जैनब आपका जायचा मुझे ये बताता है कि माशाल्लाह जायचा तो बड़ा स्ट्रांग है आपका, फिर हालात आपके दिन ब दिन ख़राब क्यों हो रहे हैं? मैं अच्छा जैनब, वक्ती प्रॉब्लम है, चूँकि मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड बल्कि अगला साल आपके लिए कदरे बेहतर होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं वो आगे चल के ठीक और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक तो आपने एहतियात करनी है कि गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, ये आपकी सेहत को मुतासर कर सकता है, हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। और मंगल के रोज़ अपना ज़रूर सदका दिया करें सुर्ख रंग की चीज़ों का, और एक अल्लाह ताला का नाम है। आज मैं एक वजीफ़ा बताने वाला हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो आपने शो के एंड पे ज़रूर सुनना है, वो आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा और उससे आपके बहुत सारे मामलात ठीक और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाबियां दें, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला 2019 जो है वो बहुत सारे मामलात में आपके लिए बेहतरियां ले के तलू होगा, और आपको कामयाबियां भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में मिलेंगी। ये ज़रा कुछ थोड़ा सा वक्त है, परेशान कुन है, लेकिन ये गुजर जाएगा। वजीफ़ा ज़रूर सुनिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फरा की कॉल है, देखते हैं कि फरा ने क्या पूछा है। फरा की डेट ऑफ बर्थ है जी 4 मई 1979, और अच्छा जी सॉरी 4 मई 1979, टाइम है 8:45 का, शेखुपुरा में ये पैदा हुई है। अच्छा जी, फरा ने पूछा है कि सवाल जो है वो इनका नहीं मालूम। अच्छा फरा, आपका सवाल ही नहीं है तो मैं बाप के बारे में क्या बताऊं? आप एक काम करें, अपना सवाल जो है वो आप दोबारा से नोट करवा दें, आपकी डिटेल्स जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन अब आपका सवाल क्या है वो मुझे नहीं पता। या तो इसी वीडियो के नीचे जो है वो आप कमेंट कर सकती हैं कि आपका सवाल जो है वो क्या है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब देता हूँ। लीजिए, अब तो गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, ठंडा पानी भी आ गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं ठंडा पानी पी के बीमार हूँ या ठंडे पानी में गर्म चाय पी के गला ख़राब करूँ। अच्छा जी, फरा ने क्या पूछा है। फरा, आप इस वीडियो के नीचे ना ज़रा अपना सवाल कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको फिर जवाब देता हूँ। फहद की कॉल है जी, फहद साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 19 सितंबर 1992, टाइम ऑफ बर्थ है जी 5:30 का, और फैसलाबाद में ये पैदा हुए हैं। कुछ अरसा पहले गाड़ी सेल की है, आगे कब तक ले पाऊंगा? जनाब, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द अपनी सवारी जो है वो दे दे और आप गाड़ी के मालिक बन जाएं, और इंशाल्लाह ताला इसमें कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं है, 1.5 से 2 माह के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी अपनी सवारी हो जाएगी, और बल्कि ये तो मैंने बड़ा लंबा अरसा बता दिया, उससे पहले भी आप ले लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा फरा का दोबारा से मैसेज आ गया है, इन्होंने पूछा कि रात को सोते वक्त, फरा की मैं डेट ऑफ बर्थ दोबारा से बता देता हूँ 4 मई 1979, 8:45 पर रात को ये पैदा हुई हैं शेखुपुरा। रात को सोते वक्त पाँव पे कोई थप्पड़ मार देता है, 6 से 7 माह से ये हो रहा है। अच्छा, पहले तो मैं आपका जायचा देखता हूँ ना कि इस तरह क्यों हो रहा है कि आपको कि वाकई ऐसी कोई चीज़ है कि आपको सिर्फ वहम है। अच्छा फरा, बात ये है कि ये जो बात आप बता रही हैं बिल्कुल ये मुझे कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई गैबी चीज़ें हैं, कोई हवाई चीज़ें हैं जो आपको तंग और परेशान कर रही हैं। एक तो आप कोशिश करें कि अपने घर में जिस वक़्त आप सोती हैं आपका ये जो सर है
ये जनूब वाली साइड पे होना चाहिए, जनूब वाली साइड पे हो। और इसके साथ साथ 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के दाएं कंधे पे, 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के बाएं कंधे पे अपना हिसार किया करें, और अपने रूम में एक आयतल कुर्सी का फ्रेम लेकर भी लगा दें। और इंशाल्लाह ताला 7 से 14 दिनों के अंदर ये जो कैफियत पैदा होती है इसमें बेहतरी आना शुरू होगी। और सोते वक्त काला रंग नहीं पहनना आपने, कि काले रंग आपके जो कपड़े हैं उसमें काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हल्के रंग पहन के लाइट कलर्स जो है उनको इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ कि 7 से 14 दिन के अंदर ये मामला ठीक और बेहतर जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद मेहरबानो कह रही जी कॉल नहीं मिलती। मेहरबानो बिल्कुल कॉल मिल जाएगी, आप कोशिश करती रहें, इंशाल्लाह ताला कॉल जो है वो मिल जाएगी। अच्छा जी, मिस एम ने हमें कॉल की है, मिस एम की डेट ऑफ बर्थ है जी 22 जुलाई 1981, टाइम ऑफ बर्थ इनका है फजर का, और पारा चिनार में ये पैदा हुई हैं। इन्होंने पूछा है कि मैरिज लाइफ में मसले चल रहे हैं, कोई हल जो है वो इसका बता दें। तो इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि एक तो आप रोज़ाना 3 मुट्ठियाँ बाजरे का सदका अपना लाजमी दिया करें, पीला पुखराज लेकर अपने हाथ में लाजमी पहने। इसका ताल्लुक है आपके इज़दवाजी शराकती मामलात उनके साथ और आपके हस्बैंड के साथ भी, कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक और बेहतर हो जाएंगी। अगले साल मार्च के बाद आपकी ये जो ख्वाहिश है ना कि मैरिड लाइफ में जो मसले हैं वो ठीक होने चाहिए, वो भी ठीक हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा आपको अपना मूड और मिजाज भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आपका अपना मिजाज भी थोड़ा सा तल्ख है, और अपना अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बल्कि आज शो के अख्ताम पे मैं एक बड़ा इंशाल्लाह ताला उसको पढ़ने से बहुत सारे मामलात आपके अच्छे और बेहतर जो है वो हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और मैं यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि वो बहन भाई जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो कोशिश करें कि स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे कॉल करें। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिस पे आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं, कहीं और करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बराए मेहरबानी स्क्रीन पे जो नंबर है इसी पे आप कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस नंबर को 1 से 2 भी करने वाले हैं, ताकि ये प्रॉब्लम कॉल जो नहीं मिलती है वो कॉल का मसला भी हल हो जाए। और वो लोग कोशिश करें कि जो एवरी वीक कॉल करते हैं, आप यू आर मोर देन वेलकम, आप बेशक हर हफ्ते कॉल करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं जो पहली दफ़ा कॉल्स करते हैं उनको भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए कि आप एक हफ़्ता छोड़ के एक हफ़्ते बाद कॉल कर लिया करें। ये कहते हुए ज़रा मुझे दिली तकलीफ़ हो रही है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह करें, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो पहली दफ़ा कॉल करते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो बाकी ये है कि आप ट्राई करते रहें जी, कॉल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा जी, आयशा की कॉल है, देखते हैं कि आयशा हमसे क्या जानना चाह रही हैं। आयशा की डेट ऑफ बर्थ है जी 13 अगस्त 1993, टाइम ऑफ बर्थ है जी 2:25 का, और शहर है कराची। शादी कब तक होगी? रिश्ते काफ़ी आ रहे हैं पर फाइनल नहीं हो रहा। अच्छा जी, चले ये नेक काम भी आपका भाई कर देता है, आप क्यों परेशान होती हैं। अच्छा आयशा, बात ये है कि आपका ये जो शादी का मामला है ना, बराए मेहरबानी इसमें लेट ना करें, क्योंकि कुछ थोड़ा सा भी मज़ीद लेट हुआ ना तो फिर रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। तो कोशिश करें कोई अच्छा रिश्ता आता है आप मुझे बताएं, मैं कंपैटिबिलिटी चेक करके और आपको बता दूंगा ये रिश्ता आपके लिए ठीक है, बेहतर है, नहीं है। और जब भी शादी कीजिएगा निकाह का डेट टाइम ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आप रिश्ते जो हैं वो फाइनल करने, चूँकि आपके शादी लेट सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, अदरवाइज़ आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा जी, हसीब साहब ने हमें कॉल की है। देखते हैं कि हसीब साहब क्या जानना चाह रहे हैं। इनका नाम हसीब है जी, 17 सितंबर, डेट ऑफ बर्थ है जी 93, टाइम है जी शाम 5 बजे का, और अटक में ये पैदा हुए हैं। अच्छा जी, इन्होंने पूछा है कि फ्यूचर के बारे में बता दें। मैं हसीब साहब इंतहाई माजरत खाऊं कि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कोई एक सवाल जो है ना वो किया करें। ये फ्यूचर के बारे में मैं क्या आपको बताऊं? आप ऐसा है कि आपका नाम जो है ना अल्लाह ताला के नामों में से है। अब अपने नाम का वजीफा किया करें, रोज़ाना इसकी 5 तस्बियां 100 दानों वाली पढ़ा करें, अव्वल आखिर 11 11 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और अपने लिए दुआ किया करें। ठीक है जी, कोई एक सवाल करें कि पढ़ना है, स्कूल है, जॉब है, नौकरी है, शादी है, औलाद है, रिस्क है, कोई एक सवाल करें। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, निम्रा की कॉल है। देखते हैं कि निम्रा क्या जानना चाह रही हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 9 सितंबर 1987, और टाइम इनको नहीं मालूम। लाहौर में ये पैदा हुई हैं। मांगलिक कहा था, अब मैं 30+ हो गई हूँ, शादी का ईयर बता दें और बाहर होगी या पाकिस्तान में। अच्छा जी, बिल्कुल आपका जायचा देख के बताते हैं। अच्छा निमराज, आपका जायचा मुझे ये बता रहा है कि आपकी शादी बैरून मुल्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और नेक्स्ट ईयर आपके लिए बड़ा अहम है। ये साल भी आपके लिए शादी के लिए मैं देख रहा हूँ कि अब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है शादी के हवाले से, और अगला साल इंतहाई अहम है कि 2020 से पहले पहले आपकी अब शादी हो जानी चाहिए। बैरून मुल्क शादी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर बैरून मुल्क शादी नहीं होती, यहाँ पे भी अगर शादी होगी तो आप में भी शायद आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाए। अच्छा जी, इसके बाद ताहिरा की कॉल है जी। ताहिरा की कॉल है, देखते हैं कि ताहिरा क्या जानना चाह रही है। की डेट ऑफ बर्थ है जी 8 अप्रैल 97, फजर का टाइम है, और लाहौर में ये पैदा हुई है। सवाल इनका ये है कि हेल्थ कब तक ठीक होगी। मेरी दुआ है कि ताहिरा अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आपकी सेहत जो है उसको ठीक करे। और हेल्थ के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा ना आप नज़रबद का शिकार हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक तो सूरह बकरा पानी पे पड़ के दम करके वो पानी ज़रूर पिया करें, उसके साथ साथ सूरह मुजम्मिल एक दफ़ा और 70 दफ़ा सूरह फातिहा ये पढ़ के आप अपनी एक बोतल बना लें कि वो आप पानी अपने पास रखा करें और उसी में से पानी पीती रहा करें, और जब थोड़ा रह जाए उसमें और पानी डाल लिया। अगर कहीं से आप जमजम मिल जाए तो वो भी उसमें थोड़ा सा शामिल कर लें, बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको नज़रें बद रहेगी, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर आपको हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे, तो इसका तरीक़ाकार यही है जो मैंने अभी बताया कि आप दमशुदा पानी ज़रूर अपने पास जो है वो रखा करें। अच्छा जी, मोहम्मद इमरान साहब की कॉल है। देखते हैं कि इमरान साहब क्या जानना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है जी 27 नवंबर 1971, और मगरिब के टाइम ये पैदा हुए हैं कराची में। ये पूछ रहे हैं कि पुखराज स्टोन हेल्थ के लिए और रोजगार के लिए ठीक है, पहना हुआ है। अच्छा जी, पुखराज और हेल्थ और रोजगार के लिए इन्होंने पूछा है। अच्छा, हेल्थ के लिए और रोज़गार के लिए अगर मैं देखूं तो पुखराज ठीक है, लेकिन अब ये कि पुखराज कौन सा है, पीला पुखराज है, नीला पुखराज है, सफ़ेद पुखराज है, या मुझे ये लग रहा है कि आपने में भी शायद पीला पुखराज जो है येलो सफ़ायर वो पहना होगा जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो ठीक है आप इसको पहन सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है।
अच्छा जी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और स्टोन बता देता हूँ कि वो भी लेकर आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। आप अपने हाथ में ना एक नीलम भी लेके पहने, वो भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमें सना की कॉल आई है। सना की डेट ऑफ बर्थ है जी 4 दिसंबर 1984। 4 दिसंबर 1984। टाइम है जी दोपहर के 2 बजे का और शहर है कराची। अच्छा जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि शादी कब तक होगी और मैरिज लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। शादी के हवाले से सना जायचा मुझे आपका ये बताता है कि शादी में तो इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए थी। आपने शादी में इतनी ताखीर क्यों कर दी है? अब आपके जायचे में रुकावट कोई नहीं है शादी की। आप जब भी कोई अच्छा रिश्ता आए कंसल्ट करें। और फिर आपने पूछा कि मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, तो निकाह बग़ैर पूछे मत कीजिएगा, बग़ैर मुशावरत के मत कीजिएगा, क्योंकि आपका अपना मिजाज माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, लविंग है, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा ना सेंसिटिव होती जा रही हैं, चिड़चिड़ापन गुस्सा जो है वो अब आप में आना शुरू हो गया है। तो निकाह बग़ैर पूछे नहीं करना। इसके साथ साथ आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला ठीक रहेगी। अच्छा जी, औरंगज़ेब साहब की कॉल है। औरंगज़ेब की डेट ऑफ बर्थ है जी मई 1967। अच्छा जी, इनको तारीख जो है वो नहीं मालूम। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि तबीयत ठीक कब तक ठीक होगी। औरंगज़ेब साहब, बात ये है कि आपकी जो हेल्थ है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुकम्मल तौर पे जो बेहतरी, जिस तरह आप परफेक्टली अपने आप को बेहतर महसूस करना चाह रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल 1.5 से 2 माह लग सकते हैं, फिर कहीं जाके थोड़ा सा सेहत में बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत देगा और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और सफ़ेद चीज़ों का सदका अपना देते रहा करें, सफ़ेद हों और मीठी हों, जैसे बर्फ़ी है, चीनी है, सफ़ेद गुलाब जामुन है, और कोई ऐसी चीज़ जो सफ़ेद रंग की हो लेकिन मीठी हो, इसका आपने सदका अपना देना है। ये सेहत के हवाले से आपका सदका बनता है। ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब की कॉल है जी। डेट ऑफ बर्थ है जी भट्ट साहब की 13 नवंबर 1967 और टाइम ऑफ बर्थ इनका है जनाब फजर का टाइम है, लाहौर में ये पैदा हुए हैं। देखते हैं कि भट्ट साहब क्या जानना चाह रहे हैं अपने बारे में। इन्होंने पूछा है कि माली हालात ठीक नहीं हो रहे। माली हालात अगर मैं देखूं, एक तो भट्ट साहब अपने हाथ में ना पीला पुखराज कह रहा हूँ सुर्ख मरजान, रेड कॉरल, सुर्ख मरजान या सुर्ख हकीक, इन दोनों में से एक नगीना तो फौरी तौर पे लेकर अपने हाथ में पहने और कोशिश किया करें कि अपनी जितनी भी कारोबारी मामलात की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चढ़ते हुए चांद में किया करें, कि चांद की पहली तारीख से लेके 14 तारीख के दरमियान ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत किया करें। उसके अंदर आपको कारोबारी लिहाज से बहुत सारे फ़ायदे हुआ करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ कि डेढ़ साल ज़रा थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी, आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, मिस आर की हमें कॉल है। मिस आर की डेट ऑफ बर्थ है जी 17 सितंबर 1993 और सुबह के 2 बजे ये पैदा हुई हैं फैसलाबाद में। पूछना चाह रही हैं कि पसंद की शादी होगी कि नहीं और कब तक होगी। अच्छा, अगर पसंद की शादी मैं कह दूं नहीं होगी, फिर तो दूसरा सवाल का उसका तो मतलब नहीं ना रहा कि कब होगी।
तो बात यह है कि आपकी जो पसंद की शादी है ना, उसमें मुझे काफ़ी हद तक डाउट नज़र आ रहा है कि मैं भी शायद आपकी पसंद की शादी ना हो। जहाँ तक रही आपकी शादी, क्योंकि शादी तो अब सबकी होनी है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके जायचे में नहीं है, वो आप जब भी करना चाहेंगी आपकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लाजवर्द एक लेकर अपने हाथ में पहने, और बस लाजवर्द ही अपने हाथ में लेकर पहने। अच्छा जी, इसके बाद शाहिद साहब ने हमें कॉल की है। शाहिद साहब की डेट ऑफ बर्थ है जी 20 नवंबर 1968, और टाइम इनको नहीं मालूम, पीर महल में ये पैदा हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि कनाडा जाना चाह रहा हूँ, कोई वजीफा जो है वो बता दें। अच्छा जी, कनाडा जाने के लिए बात ये है कि इंशाल्लाह ताला बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए बिल्कुल एक वजीफा बता देता हूँ। अल्लाह ताला का एक नाम है या सलामो, इसको 131 दफ़ा आपने रोज़ाना पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 11 दफ़ा दुरूद पाक के साथ आप इसको पढ़ें। और दूसरा ये कि जब तक कनाडा चले ना ना जाएं और पहुंच ना जाएं, तब तक आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ या मैं जाना चाह रहा हूँ या मेरी ख्वाहिश है। आपने कनाडा जब पहुंच जाएं, फिर वहाँ जाके आपने फ़ोन करना है कि पाजी मैं कनाडा पहुंच गया, मैं सिर्फ इन्ना ही दसना सी। ठीक है, उससे पहले अगर आप किसी को बता देंगे तो हो सकता है कि आपके कनाडा जाने में नज़रे बद की वजह से कोई ना कोई रुकावट आ जाए, तो आपने बताना नहीं है किसी को। अच्छा जी, इसके बाद हमें कॉल रिसीव हुई है मिस बी की। मिस बी की कॉल है और 25 मार्च 1981 में ये पैदा हुई हैं। टाइम ऑफ बर्थ इनको नहीं मालूम, और रावलपिंडी में ये पैदा हुई हैं। इनका इन्होंने पूछा है कि शादी नहीं हो रही, रिश्ता भी नहीं आ रहा, और कोई जादू तो नहीं? अच्छा, शादी जो है वो नहीं हो रही है, रिश्ता भी नहीं आ रहा, और जादू के हवाले से इन्होंने पूछा है। तो मिस बी, बात ये है कि आपके जायचे में एक तो मांगलिक हैं आप, फिर नज़र बद बंदिशें भी नज़र आ रही हैं, जादू टोना भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जितने भी इज़दवाजी मामलात हैं उसके अंदर किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम, परेशानी, डिले, रुकावट, ये सब मामलात चल रहे हैं। जब तक आप इसका को रूहानी तौर पे इलाज नहीं करवाएंगी, तब तक ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। वैसे एक आपके जायचे में अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ कि 2019 फरवरी से लेकर दिसंबर 2020 के दरमियान आपके शादी के योग बन रहे हैं, और इस दौरान इंशाल्लाह ताला आपकी शादी हो जाएगी, और बल्कि अब करनी है इसको, अब मज़ीद डिले नहीं करना। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा जी, इसके बाद हमें असद अब्बास साहब की कॉल आई है। असद अब्बास साहब की डेट ऑफ बर्थ है जी 25 मार्च 1984, टाइम ऑफ बर्थ सुबह फजर का टाइम है, और लाहौर में जनाब ये पैदा हुए हैं। इन्होंने ये पूछा है कि मुल्तान हाई कोर्ट में नौकरी की के लिए केस चल रहा है, हक में होगा कि नहीं होगा? अच्छा जनाब, बात ये है कि एक तो आपका 67 का दौर चल रहा है, कोशिश करें कि अब ये मज़ीद थोड़ा सा जितना डिले हो सकता हो इसको डिले कर दें। अगर अब इसका कोई डिसीजन आया तो आपके अगेंस्ट आ सकता है, आपके खिलाफ आ सकता है, तो उसको अगर आप 1.5 2 से 3 माह अगर इसको मज़ीद डिले कर देते हैं, तो फिर कहीं जाके
ये आपकी फेवर में आएगा। लेकिन अब अगर इसका कोई फैसला आ गया, ये जो अभी टाइम शुरू हुआ है 3 तारीख से और ये रहेगा 18 अक्टूबर तक, तो फैसला आपके खिलाफ आ सकता है। तो इसीलिए इसकी कुछ अरसे के लिए पैरवी जो है वो ज़रा शिद्दत से ना करें, इसको इग्नोर कर दें। 18 अक्टूबर के बाद जो है वो आप इसकी पैरवी करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि फैसला ये अब तक आपका आ जाना चाहिए था, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि स्टार्स आपको बता रहे हैं कि आपकी फेवर में ही है। लेकिन आजकल आपके जायचे में स्टार्स फेवरेबल पोजिशन पर नहीं है। लेकिन ये कि जब भी फैसला आया, इंशाल्लाह ताला आपके हक में और फेवर में ही आएगा। अच्छा जी, उजैर साहब की कॉल है, देखते हैं कि उजैर साहब क्या जानना चाह रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 15 फरवरी 95, टाइम है जी नहीं मालूम, गुजरात में ये पैदा हुए हैं। इन्होंने पूछा है, घर में फर्क ही रहता हूं, कोई ऐसा वसीफा बता दें कि जिससे लाइफ संवर जाए। तो आप ज़ाहिर एक काम करें कि पहले तो मैं जायचा देखता हूं ना कि आप क्यों डिफरेंट हैं जी, और क्यों घर में आप मुख्तलिफ रहते हैं। अच्छा, एक तो अपने हाथ में आप येलो टोपाज लेकर पहने, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जायचे में कुछ स्टार्स ख़राब घर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप तन्हाई का शिकार रहते हैं, कि लोगों में मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं होते। एक तो येलो टोपाज लेकर पहने, फिर बाजरे का सदका दिया करें अपना। और वजीफ़ा बिल्कुल बताऊंगा आज इस शो के अख्तिताम पे, मैं एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वो आप सुनिएगा, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके साथ है, वो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद हमें मिस एफ ने कॉल की है। मिस एफ की डेट ऑफ बर्थ है जी 27 दिसंबर 2012 और दोपहर के 3 बजे ये पैदा हुई हैं झेलम में, और पूछना ये चाह रही हैं कि निकाह का ये टाइम है। अच्छा, निकाह का टाइम है, कमर दर अकरब का दौर था, कोई रेमेडी जो है वो बता दें। अच्छा, जो टाइम आपने मुझे बताया है निकाह का 27 दिसंबर 2012 दोपहर के 3 बजे जेहलम, दूर दूर तक भी कमर दर अकरब नहीं है, आपको किसने कह दिया कि कमर दर अकरब है? आपका जो है इस टाइम के मुताबिक कमर दर अकरब जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और बाकी ये है कि क्योंकि बाकी ठीक है जी, माशाल्लाह, कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाई ये है कि कभी कभी दोनों में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाएगी मियाँ बीवी में, अदरवाइज़ कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, अब्दुल मोइज साहब ने हमें कॉल की है, देखते हैं कि अब्दुल मोइज साहब क्या जानना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ इनकी बता दूं कि छुपा दूं? 17 जून 1998, 7:45 पे ये पैदा हुए हैं, और शहर है बहावलपुर। बिजनेस करना चाह रहा हूं, कौन सा करूं जो ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से तो आपको कोई स्कूल का बिजनेस करना चाहिए, वो आपके लिए ठीक और बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का काम आपके लिए अच्छा है। और कोई भी काम करेंगे उसके अंदर होगा ये कि कोशिश कीजिएगा, अगर कोई आपका पार्टनर है या किसी के साथ शराकत दारी है तो उसमें इख्तियार और कंट्रोल अपने पास रखिएगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। तो जब तक कंट्रोल आपके हाथ में रहेंगे, चीज़ें इंशाल्लाह ताला ठीक और बेहतर रहेंगी। इसके अलावा आपको बिज़नेस का मैं बता चुका हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी, अल्लाह ताला
आपको खुश रखे, कामयाबियाँ दे। अच्छा जी, नगीना ने हमें कॉल किया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 6 नवंबर 1994, टाइम ऑफ बर्थ है जी रात के 9 बजे का, और पीर महल में ये पैदा हुई है। सवाल इनका ये है कि बीकॉम किया है, मास्टर एजुकेशन कर रही हूँ, जॉब मिल जाएगी। नगीना, बात ये है कि आपका जायचा मुझे ये बताता है कि आप कोशिश करें कि साढ़सती का दौर चल रहा है, इसके अंदर मैक्सिमम टाइम अपना एजुकेशन पे दें। अगर जॉब मिल भी गई तो मे भी शायद वो इस तरह की ना हो कि आपके मिजाज के मुताबिक हो या आपको फ़ायदा दे। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ तो वो मे भी शायद नौकरी नहीं होगी, ख़ुद का कारोबार हो सकता है, कुछ छोटा मोटा आप बिज़नेस जो है अगर अपना करें तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन नौकरी आपको सिर्फ पॉकेट मनी दे देगी, कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी, चूँकि आप किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकती हैं। आपका मिजाज ऐसा नहीं है कि आप किसी के अंडर रह के काम करें। आपका नाम जो है वो नगीना है, तो आपका नगीना मैं एक बता देता हूँ कि आप अपने हाथ में एक हुसैनी फिरोज़ा लेकर अपने हाथ में पहन सकती हैं, और बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, खुर्रम खान साहब की कॉल रिसीव हुई है हमें, डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी 30 मार्च 1972, और टाइम है जी इनका 1:15 का दोपहर का, रावलपिंडी में ये पैदा हुए हैं। अच्छा जी, इन्होंने पूछा है कि शादियां कितनी होंगी, इधर लोगों की एक नहीं हो रही और भाई ने ये पूछा कि कितनी होंगी। अच्छा जनाब, जायचा तो मुझे आपका ये बताता है कि ख्वाहिशात तो आपकी बहुत सारी शादियों की हैं, और आपके जायचे में कम से कम 3 शादियों के योग तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि 3 शादियां हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप 1 करें 2 करें 3 करें, लेकिन 3 शादियों के मौके तो आपको मिले हैं या मिल सकते हैं या मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद मिस ए ने हमें कॉल की है, डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी 23 जुलाई 1999। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी 23 जुलाई 1999, टाइम है जी 8:30 का, सऊदी अरेबिया में ये पैदा हुई हैं। अच्छा जी, इन्होंने पूछा है कि फ्यूचर लाइफ कैसी है। अच्छा, मेरे से बात वही है कि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मैं आज दोबारा से अपनी टीम को बोलूँगा कि एटलीस्ट सवाल एक लिया करें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ आ जाता है, कोई एक सवाल जो आप पूछना चाहें वो आप कर सकते हैं। फ्यूचर का अगर मैं आपका दायचा देखूं तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपको, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आएंगी, और बहुत सारी खुशियां भी आएंगी, बहुत सारी ठोकरें भी मिलेंगी, दुख भी मिलेंगे, तकलीफ़ें भी होंगी, और चीज़ें अच्छी और बेहतर भी रहेंगी, ये आपका फ्यूचर है जी। बाकी ये है कि आप खुद माशाल्लाह अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, रोती बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश किया करें कि रोने से बेहतर है कि अपनी बातें किसी से शेयर कर लिया करें, और अपना दिल जो है उसको हल्का कर लिया करें। बाकी आपने पूछा है कि जी लाइफ में आगे चल के क्या क्या होगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके जायचे में एक ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी कोई डिसीजन करें या कोई फ़ैसला करें तो मुशावरत ज़रूर कर लिया करें, किसी ना किसी से अपनी बात शेयर ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आपकी डिसीजन पावर जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी और बेहतर जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आप अपनी लाइफ में जब भी कोई इम्पॉर्टेंट फ़ैसला करें तो मुशावरत ज़रूर कर लिया करें। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला
आपको खुश रखे, कामयाबियाँ दे और लाइफ में आप जो भी करना चाहती हैं वो आपको मिलता रहे। ठीक है जी, तो ये मिस ए के बारे में बताया। बहुत सारे बहन भाइयों के मैसेजेस जो हैं वो भी आते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात कहता चलूँगा कि अभी हम लोग मैसेजेस को एंटरटेन नहीं करते। कोशिश करें कि आपने अगर मेरे से रابطہ करना है तो आप सिर्फ स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल करके अपने बारे में जान सकते हैं। अच्छा जी, वनीजा की कॉल है, देखते हैं कि वनीजा क्या जानना चाह रही हैं। 5 सितंबर 1995 में ये पैदा हुई हैं और फजर का टाइम है मुजफ्फराबाद में। अच्छा जी, वनीजा ये जानना चाह रही हैं कि जिस जगह रिश्ता हुआ है वहाँ मर्जी नहीं है, मैरिज लाइफ ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा वनीजा, बात यह है कि अगर आपका रिश्ता इस जगह से हटके कहीं और भी हो जाता ना, तो वहाँ भी आपकी सिचुएशन यही रहनी थी, क्योंकि आपका मिजाज इस तरह है का है कि बहुत जल्दी कोई भी बंदा आपके साथ अटैच नहीं हो सकता, अनलेस और अनटिल जब तक आप उसको परमिशन ना दें, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो दोस्ती का मामला हो, चाहे वो रिश्तेदारी का मामला हो, चाहे वो करियर का काम हो, किसी भी रिलेशन में, मैं फिर से कहूँगा किसी भी रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, चूज़ी हैं और पिक एंड चूज़ वाला मामला है आपका, तो शादी जहाँ आप करना चाहती हैं वहाँ मुश्किल नज़र आ रहा है। शादी जहाँ भी होगी, आपकी शादी इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ ठीक और अच्छी रहेगी, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जब भी कीजिएगा निकाह का डेट टाइम ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जनाब, अब हम अपने शो के उस मरले पे आ जाते हैं कि आज का वजीफ़ा क्या है, कि आज का क्या वजीफ़ा है और क्या मैंने बताना है और किस मकसद के लिए है, किस काम के लिए। आज का वजीफ़ा जो है बड़ा अहम है। इसका नाम कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत है जिसका नाम है सूरह नूर। इसका नाम ही अगर आप सुने तो आपको इसके अंदर नूर जो है वो नज़र आता है। और नूर क्या है? अल्लाह ताला के अगर हम इसमें आज़म देखें तो उसमें भी हमें अल्लाह ताला का इसमें आज़म जो है वो नज़र आता है, या नूर। और अल्लाह ताला का ये ऐसा नाम है कि इसका तसव्वुर अगर हम देखें तो वो रोशनी है, और मगर इसकी जो असल हकीकत मुशाहदे के अलावा किसी और ज़रिए से जो है वो सामने बिल्कुल नहीं आती। अल्लाह की ज़ात नूर है, लिहाजा जो शख्स इसे इस सिफ्त से पुकारे कि अल्लाह ताला जो ख़ुद एक नूर है उसको भी रोशन कर दे और उसको भी वो नूर अता कर दे कि जो अल्लाह ताला की ख़ास सिफत में से है। इसका ज़ाहिर और इसका बातिन जो है वो नूर की तरह रोशन जो है वो हो जाए कि जिस राह को ज़िंदगी में कोई शख्स तलाश करना चाहता है तो वो उसको मिल जाए। अल्लाह ताला का नाम है या नूर। अब हम बात करते हैं कुरान पाक की जो सूरह सूरह नूर, इसकी क्या फजीलत है। अगर किसी शख्स पर कोई दुश्मन या कोई एक आम राह चलता हुआ या कोई घर का कोई शख्स, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बाप, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बहन, कोई तोहमतबाजी या ज़ुबान दराजी करते हुए आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दें कि आपने ये काम किया है और आपके ऊपर ये इल्ज़ाम, मिसाल के तौर पे अभी हालिया मिसाल है कि हमारे जो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो 3 बार जेल में हैं। अदलिया कहती है कि आप मुलज़िम हैं, वो कहते हैं मैं मुलज़िम नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये तोहमत है। तो समझ लें कि ये उनके लिए भी एक वजीफ़ा है कि सूरह नूर अगर आप इसको 21 यौम तक के 21 रोज़ तक आप इसको रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ लें तो आपके ऊपर लगा हुआ कोई भी इल्ज़ाम किसी ने भी आप पे लगाया है तो इंशाल्लाह ताला उन 21 दिनों के अंदर आप से वो इल्ज़ाम जो है वो रफ़ा हो जाएगा, दफ़ा हो जाएगा, दूर हो जाएगा कि आपकी उस इल्ज़ाम से जो है वो जान छूट जाएगी। ठीक है जी। और कोई ऐसा शख्स जिसको मतलब जो मर्दाना कमज़ोरी में भी हम कह सकते हैं कि अगर मर्दाना कमज़ोरी के अंदर भी आप इसको 21 रोज़ तक रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ें, अगर कोई शैतानी या वसवसे को इस किस्म की चीज़ आपके जहन में आती है तो इससे आपकी जान छूटती हुई नज़र आ रही है। तो ये जनाब, ये आज का वजीफ़ा था जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी मेरी बहुत सारी दुआएँ आप लोग के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। जाते जाते हमेशा की तरह
मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का जो कॉल है वो बताऊंगा कि जल्द बाजी की राय बहुत कम सही होती है। बड़ा मुफीद कॉल है मौला का। और आखिर में जो मैंने शुरू में मशवरा दिया था कि डैम बन रहा है हमारे मुल्क में, और चूँकि पानी है और करबला का वाकया, जो हमें पानी की बहुत अहमियत है इस करबला के वाकये में, इन 10 रोज़ के अंदर आपको बहुत सारी जगहों पे पानी की सबीलें नज़र आएंगी कि जब आप शोदाए करबला को याद करें, आज़ादारी करें, आप उनको पुरसा दें, बीबी को पुरसा दें, और पानी की सबीलों के साथ अगर आप डैम फंड का भी एक बॉक्स रख दें तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला के पाकिस्तान में ये जो डैम बनने जा रहे हैं इसमें रूहानी मदद भी शामिल हो जाएगी। तो ये ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस महीने में खुसूसी दुआओं में ज़रूर मुझे मेरे इदारे को याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी 10 मुहर्रम को मैं भी, शायद जुमे का दिन है, शायद आप लोगों से मुलाकात ना हो सके, तो अशूरा मुहर्रम के दरमियान अगर कुछ हुआ आता है तो वो नहीं होगा। अशूरा मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।